प्रत्येक माह, और लगातार इन लोगों के द्वारा वैसे मरीज जिनको कोई पूछने वाला नहीं है वैसे लोगों को यह सेवा उपलब्ध कराते रहते हैं। पूजा पाठ कीजिए, आप इबादत कीजिए और कोई चीज़ दान कीजिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपराध करके कोई अपराधी जो है बीच सड़क पर घूमे, ऐसा दुस्साहस सुशासन की सरकार में नहीं की जा सकती। जिनको मेरा नाम अभिषेक है, रक्तदान महादान होता है और इसी को करने आज बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी ने रक्तदान किया है। मुजफ्फरपुर में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के इस कार्यालय में रक्तदान किया गया है। रक्तदान शिविर लगाया गया था विभिन्न संगठनों के द्वारा, जिसके बाद हम बातचीत करेंगे। रक्तदान किया गया है, क्या उद्देश्य है? बिहार प्रदेश मरवाड़ी सम्मेलन और क्या कहते हैं जन सीता हितैषी के द्वारा बराबर रक्तदान का शिविर लगाया जाता है प्रत्येक माह, और लगातार इन लोगों के द्वारा वैसे मरीज जिनको कोई पूछने वाला नहीं है वैसे लोगों को यह सेवा उपलब्ध कराते रहते हैं। तो इनके कार्यों से हम प्रभावित हुए और मुझे लगा कि यह जो संस्था है, संस्था जो है सो पूरी ईमानदारी के साथ लोगों का सेवा करने का काम करती है, तो हम इसके जो है सो कोऑर्डिनेटर कह लीजिए, इसको जो कह लीजिए, वॉलेंटियर कह लीजिए, प्रिंसु मोदी जी से हम संपर्क किए और प्रिंसु मोदी जी से हम इच्छा जाहिर किए कि हम भी आपके संस्था में जो है बलर देना चाहते हैं, क्योंकि हमको जानकारी है कि आपके द्वारा जो है सो कि गरीबों को, जो मरीजों को सेवा दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है और कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। रक्तदान किया है? हाँ, रक्तदान किया है। महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस। किसी भी तरह का दान करने के बाद पूजा पाठ कीजिए, आप इबादत कीजिए और कोई चीज़ दान कीजिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त होता है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी कह रही है बिहार में जंगल राज है, आप लोगों से नहीं संभल रहा है क्या बिहार? देखिए, अब तो जो है सो उनको, उनकी बात को तो हम जल्दी जवाब। अररिया में पत्रकार की हत्या होती है, मुजफ्फरपुर में दर्जनों राउंड गोलीबारी होती है, इससे पहले भी व्यापारियों की हत्या में 6 घंटे के अंदर में जो भी अपराधी थे चारों अपराधी जो है सो पकड़ लिए गए। अभी सदर थाना अंतर्गत जो है लूट हो गई, 24 घंटे के अंदर में 8 लाख रुपये की राशि, 100% राशि पूरे लुटेरा के साथ उद्भेदन हो गया पूरे गिरोह का। एक दिन तो 20 राउंड गोलीबारी हो गई ना। अच्छा, देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा। तो ऐसा नहीं, अपराध अगर हो रहा है तो कार्रवाई भी हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपराध करके कोई अपराधी जो है बीच सड़क पर घूमे, ऐसा दुस्साहस सुशासन की सरकार में नहीं की जा सकती। बीजेपी कह रही है जंगल राज। अच्छा, वो तो विपक्ष के काम है, बोलते ही रहते हैं। उनको कौन चश्मा तुरंत लगाते हैं तो मंगल राज दिखाई देता है, तुरंत चश्मा लगा देते हैं। अभी नीतीश जी अभी इधर कहेंगे तो हो जाएगा मंगल राज हो गया, समझे? तो वही ना, अभी 15 साल लगातार चला है बिहार को। हम लोग तो फिर जो है से बीच में ब्रेकअप हुआ, अभी 1 साल हुआ है हम लोगों का, समझे? तो इस पर क्या बोलना है। अच्छा, IAS KK पाठक के समर्थन में है कि नहीं आप? जिस तरीके से लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कई संगठन उनका विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, कार्यशैली हो, कार्यशैली कोई अच्छा करे तो उसको अच्छा कहता ही है लोग। नहीं, ठीक है, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से, संवैधानिक व्यवस्था से कोई कार्रवाई होता है तो अच्छा लगता है। अच्छा है कार्रवाई? देखिए, हम क्या बोले, हर चीज़ का व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। अच्छा मैसेज, अगर कोई हमारा जो काम है, जनता हमको सेवा करने का मौका दिया है तो हमसे तो जनता ऑनेस्टी से सेवा चाहेगी, तो अपना सेवा ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। कोई भी अगर कोई बिजनेस व्यापार भी करता है, अगर दिल से ऑनेस्टी के साथ करता है तो वो ऊँचाई पर जाता है। तो कोई अगर शिक्षक हो, कोई कर्मी हो, चाहे जिसका जो सेवा है, ईमानदारी से करना ही चाहिए, उससे जो है सो कि उसको भी संतुष्टि मिलता है और समाज का भी उन्नति होता है। राजभवन और जिस तरीके से सरकार आमने सामने है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया, फिर राजभवन ने उस आदेश को खत्म कर दिया, रद्द कर दिया, इसको किस रूप में देखते हैं? अभी सब शैक्षणिक कैलेंडर कौन किसका क्या है ये सब जो है सो वो लोग जाने। लेकिन आप समर्थन करते हैं? देखिए, कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी अच्छा काम करता है तो उसका समर्थन होना चाहिए। आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी ने क्या कुछ कहा, रक्तदान महादान है और आज इन्होंने दान किया है और काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर साफ साफ कहा कि कार्रवाई वाली सरकार है, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है और दोषियों को पकड़ा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं IAS KK पाठक को लेकर जिस तरीके से राजभवन और सरकार आमने सामने है, उसको लेकर इन्होंने IAS KK पाठक का समर्थन किया है।